आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। ताज नगरी आगरा में यमुना पार इलाके के अस्पताल में लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग अब नींद से जागा है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई करता नजर आ रहा है। सीएमओ अरुण कुमार श्रीवास्तव के अनुसार करीब 60 अस्पतालों को नोटिस भेजे जा चुके हैं। अपंजीकृत अस्पतालों के खिलाफ अब स्वास्थ्य विभाग बृहद अभियान चलाएगा, जिससे भ्रूण हत्या जैसे संगीन अपराधों पर अंकुश लग सके। आपको बता दें कि यमुना पार इलाके में बीते दिनों लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद हॉस्पिटल संचालक धड़ल्ले से हॉस्पिटल को चला रहा था। सोशल मीडिया पर भ्रूण हत्या का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग अब अपनी कुंभकर्ण की नींद से जागा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अरुण कुमार श्रीवास्तव ने अपंजीकृत अस्पतालों को नोटिस भेजने और अस्पतालों के नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि भ्रूण हत्या और लिंग परीक्षण करने वाले अस्पतालों को सीज कर दिया गया है और उसके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा अपंजीकृत अस्पतालों को भी नोटिस भेजे जा रहे हैं। आगरा जिले में 60 अस्पतालों को नोटिस भेजकर कारण बताओ नोटिस मांगा गया है। नोटिस का जवाब न देने की स्थिति में हॉस्पिटल संचालक के ऊपर विधिक कार्यवाही का प्रावधान भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा। इस बार हम लोग को दिशा निर्देश मिला है कि 50 बेड से ऊपर और 50 बेड से नीचे हमको रजिस्ट्रेशन करना था। 50 बेड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो गठित कमेटी उसके द्वारा किया जाना है। इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग ने फिजिकल वेरिफिकेशन को अनिवार्य करते हुए और ख़ासतौर से बायोमेडिकल वेस्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने भौतिक रूप से सत्यापन करना आरंभ किया है। इसमें देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम हॉस्पिटलों का इस समय विजिट कर रहे हैं और साथ में इस तरह के भी चिकित्सालयों को चिन्हित करते जा रहे हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन को लेकर कोई इशू है और उसको हम लोग नोटिस दे रहे हैं। इस तरह की अभी हम लोग 40 के ऊपर हम लोग नोटिस दे चुके हैं, 60 के ऊपर नोटिस दे चुके हैं और उनके जवाब भी आ रहे हैं। जिनके जवाब संतोषजनक है उनका हम लोग रिन्यूअल कर रहे हैं और जिनके नहीं है उनको या तो सुधरने के लिए समय दिया जा रहा है, अन्यथा किसी से उनको काम करने से रोका जा रहा है। कोशिश यही है कि जो लोग भी क्लिनिकल अपना इस्टेब्लिशमेंट चलाएँ वो नियम के अनुरूप चलाएँ और जो भी नियम शासन द्वारा दिए गए हैं, जिस तरह की रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, उसको पूर्ण करने के बाद ही चला। रॉयल हॉस्पिटल जैसे जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई है? देखिए हम लोग ज़्यादा फील्ड में, चूँकि इनका जब इनके यहाँ इंस्पेक्शन हुआ था तो इन्होंने बताया था कि कोई मरीज नहीं था और इन्होंने बताया था कि हमने अप्लाई कर रखा है, तो इनको ये कहा गया था कि किसी भी तरह का कोई भी आप चिकित्सा कार्य नहीं करेंगे और इसके आधार पर इनको मना किया गया था, परंतु शिकायत के आधार पर और मरीजों को उपचार करते हुए पाया गया इस आधार पर कार्रवाई और इनको समय दिया गया। समक्ष जो भी भ्रूण से संबंधित या चिकित्सा उपचार किए गए हैं वो सारे कागज लेकर अगर विदिन समय नहीं आते तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। दरअसल मीडिया की सुर्खियां बनाने के बाद स्वास्थ्य विभाग हमेशा इस प्रकार की कार्यवाही करता नजर आता है, पर यह कार्यवाही कुछ ही दिन धरातल पर नजर आती है जिसके बाद ठंडे बस्ते में चली जाती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नींद से जागा स्वास्थ्य विभाग इन कोख कातिल अस्पतालों पर क्या कार्यवाही करता है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से अमित शर्मा।